की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि इसरा का कोई कसूर नहीं था, कसूरवार मैं हूँ। कसूर तेरा है तो अब सजा दे दूंगा। मैंने अपने दोस्त से बात की है, उसके कुछ जानने वाले रिश्ता तलाश कर रहे थे, वो लोग आएंगे समीरा को देखने के लिए। समीरा? लेकिन समीरा की तो वो तो छोटी है। तो इससे क्या फर्क पड़ता है, फिर पहले छोटी की शादी हो बाद में बड़ी बड़ी की हो जाएगी। तुम इस घर में कैदी नहीं हो, तुम कहीं भी आ जा सकती हो। इतनी इनायत करने की जरूरत नहीं है, ऐसा ना हो कि भाग जाओ। बाबा के जानने वालों ने एक रिश्ता बताया, लड़के वाले कल मुझे देखने आ रहे हैं। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। बाबा अभी नरम पड़े लेकिन उन्होंने अभी हाँ नहीं कहा। तुम्हें क्या लगता है अंकल मान जाएंगे? कुछ कह नहीं सकते अभी, और अगर अंकल ना माने तो तुम किसी और से शादी कर लोगी? मुझे अगर किसी और से शादी करनी होती तो मैं खाला को इतनी इमरजेंसी में बुलाती। अभी बात ठीक है तुम्हारी? मैंने तो अपना काम कर लिया है, तुम कब करोगे? कौन सा काम? ये भी तुम मुझसे पूछ रहे हो? हमें मुश्किल में डालने वाला तुम्हारा भाई है, तुमसे पहले शादी करके अपनी बीवी को घर पे ले आया है और उसकी वजह से हम परेशान हो रहे हैं। सारी परेशानी हमारे लिए है क्या? वो दोनों आराम से अपनी जिंदगी गुजार रहे और हम यहाँ परेशान हो रहे हैं, उसकी वजह से हमारी बात खत्म होने पे आई है। मैं बता रही हूँ तुम्हें रजा, अगर बाबा नहीं माने तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतनी आसानी से तो खैर मैं भी उन्हें रहने नहीं दूंगा। हमें इंतजार की सूली पे लटका के वो दोनों कैसे चैन से रह सकते हैं? देख लो, सब खैरियत है? देखने आया था कि हमें मुश्किलों से दो चार करके तुम खुद कितने सुकून से रह रहे हो। मैंने तुम्हें कौन सा मुश्किलों से दो चार किया? मैं तो यहां खाली आता है। ये करोड़ों का फ्लैट, ये सक्सेसफुल रनिंग बिजनेस जो तुम चलाने वाले हो, तुम इसे खाली हाथ कहते हो? ये दुखी होने का ड्रामा ना किसी और के सामने करना शाज़ेब, ठीक है? सब कुछ मैंने खुद कमाया है। अच्छा, बरसों से बाबा का बिजनेस चलाते चलाते ये जाती खजाना कहां से निकल आया शाज़ेब? मुझे भी बताओ। क्यों आया तुम? मैं तुम्हें ये बताने आया हूं कि ये जिस लड़की को तुम उठा लाए हो ना, इससे बात करो। तुम्हारी भाभी है ये? कोई भाभी वाभी नहीं मानता मैं इसको। तुम्हें यह बताने आया हूं कि निमरा से ना शादी करके तुमने मेरे और समीरा के रिश्ते में जो दरार डाली है ना, वो मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। अगर मेरा रिश्ता नहीं हुआ तो मैं तुम्हें भी खुश नहीं रहने दूंगा। अच्छा, क्या कर लूं? मैं रोज यहां आऊंगा, तमाशा करूंगा, चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के सबको बताऊंगा कि ये देखो दुनिया का सबसे खुदगर्ज भाई जिसने अपनी खुशियों के लिए अपने घर वालों की खुशियों को आग लगा दी। अच्छा ठीक है, तो कर लो अपना ये शौक भी दूर। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी इस हरकत से मुझे कोई भी फर्क पड़ेगा तो ये तुम्हारी भूल है। रही बात तुम्हारी खुशियों को आग लगाने की, तो जब मैंने खाला की बेटियों को इनकार किया था ना, उनमें जरा भी इज्जत नफ्स होती तो वो खुद पीछे हट जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जाओ उसे।
तुम इतने खुद गर्ज निकलोगे ये मैं कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था। खानदान हसब नसब सबको मिट्टी में मिला के तुम ये लेक्चर देते बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। अपनी मर्जी का फैसला करने से अगर खानदान की इज्जत पे बात आती है तो ऐसे खानदान से मैं नातालुकी का ऐलान करता हूं। अभी तो जा रहा हूं, दुआ करो कि अंकल मेरे और समीरा के रिश्ते के लिए मान जाए वरना अपना बुरा करने वालों को मैं भी बसने नहीं देता। क्या तमाशा बनाया तुमने मेरा? यही चाहते थे ना तुम कि कभी तुम्हारे घर वाले मुझे आके जलील करें या कभी मेरे घर वाले आके मुझे जलील करें। इसमें तुम्हारी जिल्लत कहां से आ गई? तो क्या कर रहा था तुम्हारा भाई? तुम्हें हार पहना रहा था? क्या कर रहा था? जज्बाती है वो, खुद फैसला नहीं ले सकता है इसलिए दूसरों को कंधा तलाश करता है और अगर कंधा ना मिले तो इल्जाम तराशियों पे आ जाता है। छोटी सी बात मैं समझा दूंगा उसे। तुम्हारे लिए तो कोई बात ही नहीं है ये, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है शाज़े। अच्छा तुम परेशान ना हो, मैं अगली बार संभाल लूंगा, बात मुझ तक ही रहेगी, तुम तक नहीं पहुंचेगी। क्या होगा उससे? सब तुम्हारा किया हुआ अमल भूल जाएंगे? कोई भी नहीं भूलेगा, जो तुमने किया है ना उसका ताना मुझे सारी जिंदगी सुनना पड़ेगा। कभी कभी मेरा दिल करता है शाज़े कि मैं अपने हाथों से तुम्हारा गला दबा दूं। दबा दो। फिर क्या सोचा है आपने? सोचना क्या है, जब तुम सबकी यही मर्जी है तो मैं कब तक अकेला अपने फैसले पे अड़ा रहूं? क्या हो तो आज ही हाँ कर दे जाके। शुक्र है अल्लाह का। अपनी एक बेटी की खुशी के लिए शुक्र अदा कर रही हो, दूसरी बेटी के बारे में भी सोच लो, कहीं ऐसा ना हो निंद्रा के दिल में हमारे लिए कुछ मैल आ जाए कि हमने उसे नजरअंदाज कर दिया। आप फिक्र मत करें, मैं निम्रा से खुद बात करूंगी, समझाऊंगी उसे, समझदार बच्ची है, अपनी बहन की खुशी का ख्याल करके दिल बड़ा कर लेगी। अगर ऐसा हो जाए तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती। बारा देख लेना। वो मैं आपा को फोन करके खुशखबरी सुना दूं, बहुत परेशान है वो, ये खबर सुन के बहुत खुश होंगी। जैसे मर्जी तुम्हारी। बड़ी खुश नजर आ रही हो तुम। खुश तो होंगी ना निम्रा, बाबा मेरी और रजा की शादी के लिए तैयार हो गए हैं। निम्रा मैं तुम्हें बता नहीं सकती मुझे कितना सुकून मिला ये सुन के। तुमने तो कहा था कि अगर शाज़ेब नहीं मानेगा तो तुम भी रजा से निकाह नहीं करोगी, कुर्बानी दोगी। क्या हुआ, कर दी बहन की खुशी कुर्बान मोहब्बत के लिए? क्या कह रही हो तुम, तुम्हारी खुशियां कुर्बान करूंगी मैं? निम्रा मेरी तरफ देखो,
मेरी तब देखो तो सही। निम्रा, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी और अपनी बेइज्जती भूल गई हूं? बिल्कुल भी नहीं। तो क्या ये सब क्यों इतनी तैयारियां कर रही हो? शाहजेब किसी और से शादी कर चुका है, तुम भूल रही हो शायद। निम्रा, तुम्हें लगता है कि हम इस तरह सबसे अलग होके बैठ जाएंगे तो हम अपनी बेइज्जती भूल जाएंगे, सुकून मिल जाएगा हमें? शाहजेब ने जो किया उसके बायस, शाहजेब हाथ से चला गया हमारे, मैं नहीं चाहती कि रजा भी हमारे हाथ से चला जाए, इसीलिए बाबा के सामने मुझे मुंह खोलना पड़ा। ये खुशियों को इस तरह बिखरता हुआ नहीं देख सकती, उस इसरा ने कितना रुलाया है तुम्हें। बस एक दफा मुझे उस घर में जाने दो, फिर तुम देखो तुम्हारे एक एक आंसू का बदला लूंगी मैं। जिस तरह उसने तुम्हें रुलाया ना, मैं उसकी और शाहजेब की तलाक करवा के रहूंगी, और अगर ऐसा मैंने नहीं किया तो मेरा नाम समीरा नहीं है। तुम्हें ये लग रहा था कि मैं इतनी खुदगर्ज हूं कि खुद उस घर में जाके मैं ऐश करूंगी और तुम यहां दिल टूटा हुआ लेके रोती रहोगी? रोएगी अब इसरा, वो रोएगी तुम नहीं। उसकी तलाक करवा कर मैं तुम्हें शाहजेब की दुल्हन बनाऊंगी। शाहजेब की जिंदगी में आके उसने बहुत बड़ी गलती की है। और देखो, मेरी मोहब्बत पे यकीन करो, मैं पहले भी अपनी मोहब्बत दांव पे लगा चुकी हूं, तुम्हारे लिए मैं अब भी लगा सकती हूं। हाँ दानिश, कंपनी इस वक्त स्ट्राइक अफोर्ड नहीं कर सकती, बस तुम किसी तरह से वर्कर्स को डील करने की कोशिश करो। हाँ, फिर बताओ मुझे। ओके, क्या हुआ? मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए वर्कर्स और मैनेजर के बीच में? तनख्वाह बढ़ाने की डिमांड ही खत्म नहीं हो रही इनकी। ये सब ना शाह के स्पॉइल्ड वर्कर्स हैं। यू नो व्हाट, फायर देम, धक्के देके बाहर निकालें और लोगों को हायर कर लेंगे ना। अरे भाई, ऐसा नहीं होता। ऑर्डर वक्त पर जाने ज़रूरी हैं और वर्कर्स की डिमांड ही ख़त्म नहीं हो रही। मैं इतनी भारी सैलरी नहीं निकाल सकती इस वक्त, जबकि कंपनी के शेयर्स भी गिरते जा रहे हैं। तुम क्यों आए हो यहाँ पे? तुम तो बड़े गुरूर से इस घर को छोड़ के गए थे ना। आना पड़ा क्योंकि जब तुम जैसे लोग मेरे घर आकर मेरे खिलाफ और मेरी बीवी के खिलाफ जहर उगलेंगे, तो शौहर होने के नाते मेरा फर्ज है कि अपनी बीवी का दिफा करूं। तुम्हें बताने और लास्ट वार्निंग देने आया हूं, जो हरकत तुमने कल रात की है आइंदा सा सोचना भी नहीं। मैं एक ही गलती को बार बार माफ करने का कायल नहीं हूं। अच्छा, क्या करोगे तुम? भाई पे हाथ उठाओगे? चलो अपना ये शौक भी आज पूरा करो, क्योंकि किसी अच्छाई की ना अब तुमसे उम्मीद ही नहीं रही। शाहजेब, खूनी रिश्तों का लिहाज रखो, तुम इसके दायरे में रहो। नहीं रहूंगा। कर क्या लोगे तुम? क्या कर लोगे? हाथ मेरे भी हैं, मैंने घर छोड़ा है, खून रिश्तों को नहीं बोला, इसलिए अपनी हद में रहो।
नहीं रहूंगा तुम इसे। क्या कर लोगे? तो फिर मैं अपने तौर ही निमट लूंगा। हट मेरा रजा। वैसे तो तुम्हें मां से मिलना गवारा नहीं, और अब आगे हो धमकाने, ये रिश्ता रह गया हमारे बीच? गलती हुई इसलिए आना पड़ा। तो नहीं आते ना, क्यों आए हो? फोन कर देते, वही काफी था। अगर तब भी तुम्हें इत्मीनान नहीं मिलता तो गुंडे भेज कर पिटवा देते अपने भाई को। कभी नहीं सोचा मैंने इसके दिल में कीना हो सकता है। मेरे दिल में नहीं है, आज भी ये मेरा भाई है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, अच्छी तरह से जानती हूँ तुम्हारे दिल में अब हमारे लिए कुछ भी नहीं है। वरना तुम उस अनजान लड़की के खातिर अपनी माँ की कुर्बानियों को ना भूलते। ये बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया शाहजेब, अच्छा किया तुम भूल गए, बहुत अच्छा किया। मेरे दिल में आप लोगों के लिए बहुत कुछ था, लेकिन आपने एक छोटी सी ख्वाहिश नहीं मानी मेरी, अपनी सगी औलाद पे अपनी बहन की बेटियों को फौकियत दी आपने, उनकी खुशी के बारे में सोचा। मैं ये कभी नहीं भूलूंगा। खैर, मैं यहां कोई तमाशा करने नहीं आया हूं, सिर्फ समझाने आया हूं। इसरा मेरी इज्जत है, इसलिए आइंदा उसके खिलाफ कोई गिरा हुआ जुमला इस्तेमाल नहीं करना। अगर मेरी बात समझ नहीं आ रही है, आप समझा दीजिएगा। समझा लूंगी मैं समझा लूंगी, बहुत अच्छी तरह से समझा लूंगी। लेकिन इस वक्त तुम जाओ यहां से, तुम चले जाओ यहां से, जाओ वहीं चले जाओ जहां से तुम आए हो, क्योंकि क्योंकि यहां अब तुम्हारा मामा कोई भी नहीं है। तुम मामा पीछे रहो तुम। मामा पानी लाओ। मामा खुश हो अब, जाओ यहां से। मामा 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 आंखें खोली। मामा चलो बेटा, अपने ससुराल चलने की तैयारी करो। बुरा मत मानिएगा, लेकिन मेरा तो कोई ससुराल ही नहीं है, और ना ही मुझे यहां से कहीं जाना है, समझे आप? इससे मेरी बात सुनो। यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आपको होश आ गया, हमारी तो जान ही निकल गई थी। हुआ क्या था आपको? होश में आकर करती भी क्या, फिर वही हकीकत जिसका कई महीनों से सामना करते करते अब तो मेरी बर्दाश्त भी खत्म हो गई थी। शाहजेब को जाते देखना बहुत मुश्किल था मेरे लिए। शुक्र है मेरी बेहोशी में ही चला गया। कह तो आप भी ठीक रही हैं, जवान औलाद का इस तरह घर से चला जाना माँ के दिल को तो रोक लग जाता है। सादत के बाद यही दो बेटे तो सहारा थे मेरा, बाजू थे। अब देखो शाहजेब कैसे मेरा एक बाजू तोड़ गया। क्या क्या ख्वाब देखे थे मैंने अपने बेटों के हवाले से, लेकिन क्या हुआ? पापा शाहजेब वैसे बहुत अच्छा है, आप उसे वापस बुलाएंगी तो वो आ जाएगा। नहीं आएगा फरहत, वो बहुत जिद्दी है। तबीयत कैसी है आपकी? ठीक हूँ। डॉक्टर कह रहा था आप टाइम पर दवा नहीं लेती हैं। तो मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। मैं जीऊं या मरूं कोई
कोई तुम्हें इल्जाम देने नहीं आएगा। मां को नीचा दिखाकर कर ली ना तुमने अपनी खुशी पूरी। जाओ जाओ, रहो अपनी खुशी के साथ। मुझे माफ नहीं कर सकती आप? शासिब, शायद जिंदगी में तुम्हें तो कभी माफ कर भी दूं, लेकिन उस लड़की को बिल्कुल नहीं। हम दोनों अलग नहीं हैं। चलता हूं, इंतजार कर रही होगी सर। अपना ख्याल रखिए। अच्छा खासा वापस चला आया था, लेकिन अचानक उस लड़की का नाम सुनकर से हो क्या गया? बर्दाश्त नहीं करता कोई बात उसके खिलाफ। इसीलिए तो नफरत है मुझे उस लड़की से, जिसने मेरे बेटे पर अपना कब्जा जमा लिया। उसे मैं कभी जिंदगी में माफ नहीं करूंगी, नफरत करती रहूंगी उससे। खाला जान, क्या आपने एक्टिंग की है ना बेहोश होने की। शाहजेब की शक्ल देखने वाली थी, मैं तो इम्प्रेस हो गई। आपको पता, जब रजा ने कॉल की हमें कि आप हॉस्पिटल में, मेरी जान निकल गई थी। लेकिन जब उसने पूरी सिचुएशन बताई और मैंने शाहजेब को वहाँ देखा, तब मैं समझ गई कि आप क्या कर रही हैं। बहुत बहुत अक्लमंद है मेरी बेटी, अपनी खाला की चाल समझ गई। और वो शाहजेब, उसे देखो, मैंने ज़रा सी बुराई की, उसे बर्दाश्त नहीं हुई और वो वहाँ से चला गया फौरन। खाला जाना, आपको किसने कहा था इस तरह की बुराई करने के लिए? तो फिर क्या उसकी तारीफ़ें करती ना बाबा, ना मुझसे नहीं होती झूठी तारीफ। खाला जाना, आपको करना होगा, बल्कि हम सबको करना होगा ये। अरे तुम कहना क्या चाह रही हो? खाला जाना, आप यही चाहती हैं ना कि शाहजेब इस घर में वापस आ जाए, बिजनेस शुरू हो जाए और इस तरह शाहजेब की ज़िंदगी से निकल जाए। क्या अजीब सवाल कर रही हो आप। ये नहीं चाहेंगी तो क्या चाहेंगी? हाँ, मैं यही चाहती हूँ। तो फिर खाला जान, इसरा को शाहजेब की ज़िंदगी से निकलने के लिए पहले इस घर में आना होगा, और जब वो इस घर से निकाली जाएगी तो फिर शाहजेब की ज़िंदगी में दोबारा लौट कर नहीं आ सकेगी वो। बस तो फिर समझो इसरा आ गई इस घर में। बदतमीजी मैंने अभी शुरू नहीं की, पहली और आखिरी बार समझाने आया हूं, इस तरह से दूर।
शुक्र है कि तुम घर में तो नजर आए। कोई काम था आपको मुझसे? ये देखो, किसकी तस्वीर है? भाई इसमें से किसी लड़की को पसंद कर लो तो तुम्हारी मैं आगे बात चलाऊं। मगर क्यों? क्या मतलब है, तुमने शादी नहीं करनी क्या? फिलहाल नहीं। तो आखिर कब करोगे फिर? इसके बारे में सोचा नहीं। हारिस कब सोचोगे? मैंने आपको अपनी पसंद बता दी थी। देखो हारिस, वो किस्सा खत्म हो चुका है। मैंने बहुत कोशिश की खुद को बहलाने की, मसरूफ रखने की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो मेरे दिलो दिमाग से नहीं निकल सकती। हारिस, वो अब किसी और की बीवी है। यही बात तो मुझे चैन से जीने नहीं देती कि जिससे मेरा निकाह होना था वो किसी और के साथ कैसे चले गई। जब इसरा की मर्जी उस लड़के के लिए थी तो हम क्या कर सकते हैं? नहीं, नहीं, उसकी मर्जी नहीं थी। उसने मुझसे खुद कहा था कि वो मुझसे शादी करना चाहती है। तो फिर ऐन मौके पे वो अपने आशिक के साथ क्यों भाग गई? किसी का तो पता लगवाना है। देखो हारिस, तुम ऐसे किसी चक्कर में नहीं पड़ोगे, भूल जाओ उसे। और इसमें कुछ लड़कियों की पिक्चर्स हैं, उनमें से किसी एक को पसंद कर लो तो मैं आगे बात बढ़ाऊं। मेरा दिल किसी और को कबूल नहीं करेगा। मैं शादी करूंगा तो इस तरह से ही करूंगा, वरना किसी से नहीं। हारिस ये कैसी फजूल सी जिद है, वो किसी और के निकाह में है। निकाह का क्या है, कभी भी खत्म हो सकता है। तीन लफ्जों पर टिका ये रिश्ता, यहां मुंह से तीन लफ्ज निकले वहां रिश्ता खत्म। इस घर में अगर कोई आएगी ना तो वह इसरा होगी और कोई। मामा आप? मुझे अंदर आने को नहीं कहोगे या फिर माँ के लिए तुम्हारे घर के दरवाजे बंद हैं? कैसी बातें कर रही है, आइए ना प्लीज। आपकी तबीयत कैसी है अब? बस तबीयत ठीक नहीं थी इसीलिए आई हूं कि वो बहाल हो जाए। इसरा देखो मम्मा आई है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मम्मा ये इसरा, इसरा ये मामा है, मामा ये इसरा। आपकी मामा से मुलाकात हो चुकी है मेरी पहले, भूल गए आप? मुलाकात का वो हवाला बहुत ही बुरा था। अच्छा है भूल जाओ। शाज़ेब ने जो कुछ किया था उस पर मुझे गुस्सा था, नाराज़गी थी, लेकिन बाद में जब मैंने हकीकत की नज़र से देखा तो मुझे लगा कि मैं गलती पर हूँ, बस उसी गलती को सुधारने के लिए आई। मामा आप यहाँ आ गई, ये काफ़ी है, ये सब बातें बोलने की ज़रूरत नहीं है आपको। बस मैं अपनी गलती सुधारने आई हूँ बेटा। मैं अपने बेटे और बहू को अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। क्या? मैं
इसरा को अपनी बहू के रूप में तस्लीम करती हूँ। चलो बेटा, अपने ससुराल चलने की तैयारी करो। बुरा मत मानिएगा, लेकिन मेरा तो कोई ससुराल ही नहीं है और ना ही मुझे यहाँ से कहीं जाना है, समझे आप? इसरा मेरी बात सुनो। मामा प्लीज रुके। अब रुकने का कोई जवाब रहा नहीं। मैं झुक कर तुम्हें और तुम्हारी बीवी को साथ ले जाने आई थी, लेकिन उसने जो सलूक मेरे साथ किया वो तुमने अपनी आंखों से देख लिया। उसका कोई कसूर नहीं मामा, मेरी वजह से उसका सब कुछ छिन गया। उसने इसरा को ऐसा बना दिया, वो ऐसी है नहीं। आप फिक्र ना करें, मैं समझाऊंगा उसे। मेरी इंसल्ट हुई है मामा, मैं माफी मांगता हूँ इसरा की तरफ से आपसे। आप प्लीज बैठे ना, मैं समझाऊंगा उसे। जब वो लड़की अपने किए पर शर्मसार नहीं तो तुम क्यों माफी मांगते हो? मेरी बात तो सुने मामा, मैं समझाऊंगा उसे। प्लीज रुक जाए मामा, आप, मैं समझाऊंगा। इसरा तुम्हारी लड़ाई मुझसे है, तुम्हें जो कहना है मुझे कहो। मम्मा से इस लहजे में बात करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? क्यों जरूरत नहीं थी? वकार अहमद का नाम याद है या भूल गए, जो तुम्हारी वजह से आज दुनिया में मौजूद ही नहीं है? जहां तक मुझे याद है, मेरा भी तो उनसे वही रिश्ता था जो तुम्हारा तुम्हारी मां से है। औलाद का रिश्ता, मैं मानता हूं मुझसे गलती हुई, लेकिन इस गलती की सजा मम्मा को मत दो यार। वो बड़ी है, मैं सब कुछ छोड़ के यहां आया हूं, घर छोड़ के उनका। मेरे लिए नहीं छोड़कर आए हो, मैं ये कब कह रहा हूं कि तुम्हारी वजह से छोड़ के आया हूं? मैं तुम्हें सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मम्मा बड़ी हैं, वो यहाँ तुम्हें मनाने ही तो आई थी। तुम्हें तस्लीम कर तो रहे हैं। पहले वो मुझे जलील करेंगी, उसके बाद वो मुझे मनाने के लिए आएंगी। तुम्हें क्या लगता है मैं हाथ पकड़ के उनका चलती फिरूंगी? तुम्हारी माँ ने मुझे बहू तस्लीम किया, तुमने मुझसे पूछा कि क्या मैं तुम्हारी माँ को किसी रिश्ते में तस्लीम करना चाहती हूँ या नहीं। मैं तो हमारे रिश्ते को कबूल नहीं करती। तो फिर कहाँ की सास और कौन सी सास? मुझे तुमसे ज्यादा खुद पे गुस्सा आ रहा है। मेरे जुनून ने तुम्हें क्या से क्या बना दिया है। चलो शुक्र है, कम से कम तुम्हें इस बात का तो एहसास है कि तुम्हारी वजह से मेरा कुछ नुकसान हुआ है। एहसास है मुझे, अच्छी तरह एहसास है। एहसास है तुम्हें? तो फिर जाओ, जाके रहो अपनी मामा के साथ जैसे पहले रहते थे, मिलो उनसे। लेकिन मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश मत करो। ठीक है, कोई जबरदस्ती नहीं है तुम्हारे साथ,
तुम्हें मेरी फैमिली से नहीं मिलना, मत मिलो। तुम्हें अपने ससुराल नहीं जाना, मत जाओ। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। जिंदगी क्या थी के जीने की तरह जी ना सके, जिंदगी क्या थी के जीने की तरह जी ना सके, हम के झोंके थे जो सांसों की जगह चलते रहे, साथ रहते भी जलाती है जुदाई ऐसे, जैसे दीवाना कोई इश्क की आतिश में जले।